नमस्कार। ध्यान के इस सत्र में आज हम एक से अधिक यानि मल्टी गोल पर कार्य करने जा रहे हैं। शरीर को बिल्कुल ही शांत और स्थिर अवस्था में रख दीजिए। शरीर के स्नायुओं को शिथिल कर दीजिए। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर दीजिए और सामान्य सांसों की आवन जावन पर ध्यान केंद्रित करें। इस ध्यान के दौरान हम दो बार घंटे की मधुर आवाज को सुनेंगे। प्रथम बार जब घंटे की आवाज हम सुनेंगे, तब हम हमारे प्रथम गोल को पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुके हैं वैसा विजुअलाइज पूर्ण रूप से कर देंगे। तत्पश्चात दूसरी घंटे की आवाज सुनेंगे, तब हम अपने अर्ध जागृत मन को दूसरे गोल को देखने के लिए प्रेरित करेंगे, उसे आदेश देंगे। सामान्य सांसों की आवन जावन पर ध्यान केंद्रित करें। टेन टू वन काउंटिंग के दौरान हम अर्ध जागृत मन की ओर गहराई में उतरते जाएंगे। वन के पश्चात हम ध्यान अवस्था में रहेंगे, जहां हम अपने गोल को पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में चालू वर्तमान काल में सकारात्मक रूप से देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे और उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुके हैं वैसे सुख का अनुभव करेंगे।
प्रथम गोल को पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुके हैं वैसा विजुअलाइज पूर्ण रूप से कर देंगे। सामान्य सांस पर ध्यान दीजिए। अब हम दूसरे गोल को पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में चालू वर्तमान काल में विजुअलाइज करेंगे, उसे देखेंगे और हम उसे पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुके हैं वैसे सुख का अनुभव करेंगे। अब हम दूसरे गोल को पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुके हैं वैसा विजुअलाइज पूर्ण रूप से कर देंगे। ध्यान अवस्था में अपने गोल को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए हम इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करेंगे।
अपने दोनों हाथों को आसमान की ओर फैलाकर हम कहेंगे, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। जब हम कहते हैं कि मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, तो हमारे चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान आ जाती है। हमें अनुभव होता है कि मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ। जीवन में हर कार्य करने के लिए मैं सबल, समर्थ और सक्षम हूँ। मेरे शरीर में शक्ति, मन में शांति और जीवन में आनंद का अनुभव हो रहा है। ऐसे सुंदर जीवन के वरदान के लिए फिर से इस ब्रह्मांड का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सामान्य सांसों की आवन जावन पर ध्यान केंद्रित करें। सामान्य सांस लें। अब हम ध्यान अवस्था से संपूर्ण रूप से बाहर आ चुके हैं। अब आप चाहें तो अपनी आंखों को कोमलता से खोल सकते हैं।